नौतपे की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। नौतपा के पहले दिन कई जिलों के लिए तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान मौसम विज्ञानियों ने अगले 24 से 48 घंटे के दौरान पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान लगाया है। मध्य प्रदेश में इस समय गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हालत यह है कि दिन के अलावा रात में भी तापमान 31 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। शुक्रवार को प्रदेश के 8 शहरों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। राजगढ़ का तापमान सबसे ज्यादा 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी बीच आज से नौतपा भी शुरू हो गया है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 9 दिन भीषण गर्मी रहेगी। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन संभाग समेत भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, टीकमगढ़, छतरपुर में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बैतूल, नर्मदापुरम, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। प्रदेश में जो है कि आज जो हीट वेव की कई जगह संभावना है, खासकर जो है राजगढ़, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगरा, मालवा और मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, शिवपुर कला और टीकमगढ़, छतरपुर, निवारी, यहाँ जो है हीट वेव की संभावना आज बनी हुई है। 45 डिग्री के आसपास यहाँ टेम्परेचर जाने की संभावना है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।